आपका नाम क्या है? मैं नाम जीशान है। जीशान, 3:30 बजे हमारे कैंप पे हमला हुआ, उस टाइम ड्यूटी पे कौन था? ये जिम्मेदारी किसकी थी? किसका नाम था? 3:30 बजे ओके, जब आपकी पुलिस के अधिकारी यहाँ गाड़ी में थे, उनको भी हमने बताया, उन्होंने कहा ये हमारा डोमेन नहीं है। इस कैंप की हिफाजत की जिम्मेदारी किसकी है? पुलिस ने इंतजामिया की है। इंतजामिया की है ना, तो आप सबसे पहले ये बताएं 3:30 बजे हम पर किसने हमला किया? नहीं, 3:30 बजे किसने हमला किया, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ ना। ये आपकी जिम्मेदारी है, आप बताएं जो आप पूछ लोग आए थे वो कौन थे जिन्होंने औरतों और बच्चों पर हमला किया बंदूक के साथ? आप मौजूद थे? आपने देखा? जी बिल्कुल, आपके पास फुटेज, मेरे पास फुटेज भी है, जाए मीडिया में देखे, दिखाओ उसको फुटेज। और स्पीकर भी हमारे लेकर गए, आप मुझे दिखाएं, मैं पता करता हूँ ना। कैसे पता करेंगे? आपकी जिम्मेदारी ये है, आपकी सीरियसनेस ये है कि आपने जो है ना बाढ़ लगा कर जो है ना अपने लोगों को यहाँ तैनात किया हुआ है, और आपके लोग जो है ना फैसिलिटेट कर रहे हैं हमलावरों को कि हमारे ऊपर आकर हमला करें? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ये सब कुछ आपकी हिफाजत के लिए। कैसा हिफाजत? आप मुझे बताएं आपके पास की निजाम क्या है कि 3:30 बजे जो है ना वीगो गाड़ी वाले आकर बंदूकों के साथ औरतों और बच्चों के ऊपर हमलावर होते हैं और यहाँ से चोरी करके चीजें ले जाते हैं, और आपको पता भी नहीं है, इलम भी नहीं है आपको इस चीज़ का? ये तो बता रहा हूँ, आप जब दिखाएंगे ना कि कहाँ पर हमला हुआ, कैसे कैसे आपको नहीं बताया? आपके पुलिस अफसर ने आपको नहीं बताया तो यहाँ दिखाई नहीं? दिखाएं इनको, कोई फुटेज दिखाएं इनको, जल्दी दिखाएं, जल्दी दिखाएं, जल्दी दिखाएं। बाकी हम सारे लोग आपकी मदद के लिए खड़े हैं। कैसी हिफाजत है बताएं? आप एक्सेप्ट करें कि आपने हमलावरों को फैसिलिटेट किया है? सुबह शिकायत भी लगाई थी। क्या चीज लेके गए हैं, कौन था यहाँ पर? वो आपकी जिम्मेदारी है ना, आप बताएंगे कौन थे जिन्होंने निकाब पोश होकर जो है ना हमलावर हुए कैंप में? आपकी पुलिस जो यहाँ पे तैनात है, जनरल वाले से पूछा, हम लोगों ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा ये हमारा डोमेन है। किसका डोमेन है ये खारदा तारे आपने क्यों लगाए? कल को मतलब यहाँ पर मर भी जाए आप लोगों को कोई एहसास नहीं? हम लोग देखिए, ये जो खारदा तारे लगे हुए हैं ये सिर्फ आप लोगों की हिफाजत के लिए, छोटे बच्चे बाहर रोड पे ना निकले। आप पहले ये बताएं कि जिन लोगों ने हम पर हमला किया वो कौन थे? आप ये फुटेज आपको मुझे दिखाइए, मैं खुद इसका पता करता हूँ कि क्या चीज है क्या चीज नहीं है। आप ये बताएं, पता करूंगा, इन्वेस्टिगेशन करूंगा। मालूम है सुबह आया हूँ, मुझे आपने कल देखा था यहाँ पर? नहीं, मसला ये है ना, आपके लोग यहाँ पे आए थे, उन्होंने मैं भी इस चीज का पता करता हूँ, इन्वेस्टिगेशन करता हूँ क्या क्या नहीं, सारा कुछ आपको अपडेट करूंगा। जी हाँ बिल्कुल, और आप अपडेट करेंगे और मीडिया के सामने बताएंगे कि वो लोग कौन थे? आपकी हुकूमत यहाँ इस्लामाबाद में आपने सब चीजें कंट्रोल की हुई है ना, आप लोगों ने हम पर FIR दर्ज किया कि हम डके थे, हम हमला अवर हुए थे ना। अब मैं देखती हूँ कि आप वीगो गाड़ी वाले नामालूम अपराध को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और दुनिया के सामने कैसे हमको बोलेंगे कि वो लोग कौन थे जो हम पर हमला अवर हुए, वो लोग कौन थे जिन्होंने औरतों और बच्चों को हरासा करने की कोशिश की थी? अगर वो कोई बंदूक की गोली चलाते इसकी जिम्मेदारी को किसकी? कोई भी नहीं चलाता ना, ऐसे किस्म के कैसे नहीं चलाता? आप लोग तो बोल रहे थे कि हम हिफाजत करेंगे, आपकी हिफाजत की ये लकीर है? नहीं, हम आपकी हिफाजत के लिए कैसी हिफाजत आप एक्सेप्ट करेंगे? हिफाजत कर रहे हैं, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने जो फुटेज निकली है इसके बारे में पता करता हूँ, आपको बताता हूँ। एसपी साहब, फुटेज नहीं, मसला ये है कि आप लोग यहाँ तैनात थे ना, क्यों उनको एक्सेस ये एंट्री और एग्जिट पॉइंट था ना, एंट्री और एग्जिट पॉइंट था ना, इससे आगे ये लोग कैसे? यहाँ देखें, एक तो एक्सेस किसी की भी नहीं है, आप अपने लोग जो है वो यहाँ पे रश मचा देते हैं, भी रश मचा नहीं, हमारे लोगों के पास वीगो गाड़ी नहीं है, वीगो गाड़ी के कॉपी राइट जो है ना जिन लोगों के पास है वो आप लोगों को पता है, ठीक है ना? बंदूक हमारे लोगों ने नहीं उठाया, हमारे लोगों के हाथ में तस्वीरें हैं, वो तस्वीरें हैं जो आप लोगों ने हजारों सालों से उनके प्यारों को अगवा किया हुआ है, ठीक है ना? हमारे लोगों के हाथ में बंदूक नहीं है, बंदूक उठाने के 70 सालों से आपके लोगों ने हमारे खिलाफ उठाया है, ठीक है? आप इसका नोटिस करेंगे, नोटिस लेंगे, अगर नहीं 2 घंटे के अंदर अगर आपने नोटिस नहीं लिया तो मैं आपको बोलती हूँ कि हमारे काफिलात है, आप अपनी ये गाड़ियां यहाँ से हटा देंगे, हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे, अपने बाढ़ यहाँ से हटा देंगे। नहीं है, नहीं, आप बताएं कि आप कितने भी तो पता करना है, मैं मौजूद हूँ। आपको इस बात पे कहने का बिल्कुल भी वो नहीं है कि आपने इस कैंप की जिम्मेदारी उठाई है हिफाजत की और लोग हमलावर के लिए ही आपके आगे देखे हमने पुलिस सारी तैनात की है, आपका बच्चा वो ना हो। और जो चीज हमारी गुमी है ना उसको अभी कैसे लेकर आए आपके आपके जो है ना माशाल्लाह से नामालूम अफरादों ने जो है ना हमारे यहाँ से स्पीकर और वो उठाया, वो जल्दी से जल्दी पहुंचाए कैंप में, जल्दी करें।